काफ़ी सारे लोगों को एग्जॉस्ट देख के नीचे पता चल गया होगा कि मैं कौन सी बाइक की बात कर रहा था गाइस। सो दिस इज़ होंडा CBR 650 एफ़ फॉर यू। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो है होंडा CBR 650 एफ़ के बारे में। यूजुअली मेरे को काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमें 600 CC से 800 CC के सेगमेंट में बाइक खरीदनी है, तो हम कौन सी बाइक खरीद सकते हैं। सो मेरा सबसे पहला जो ओपिनियन रहेगा वो रहेगा इस बाइक के बारे में। अब आप पूछेंगे कि मैं इस बाइक को इतना प्रेफर क्यों करता हूँ। सो इसका रीज़न है गाइस, सबसे पहली बात होंडा की बाइक है। फर्स्ट ऑफ ऑल होंडा जो है वो आफ्टर सेल सर्विस, इवन स्पेयर पार्ट्स, हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और काफ़ी ज़्यादा चीप है और बाइक्स के मुकाबले में। सेकंड थिंग, इसकी जो टॉप स्पीड है वो है अबाउट 263 to 265 किलोमीटर पर आवर की। मैक्सिमम स्पीड जो जाती है वो इतनी जाती है। सो भागने में भी बाइक ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। 0 to 100 है अराउंड 4 सेकेंड्स के अंदर, एंड एवरेज भी ये जो देती है वो देती है अराउंड 20 किलोमीटर पर लीटर की। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे इंडियन रोड्स के हिसाब से कितनी ज़्यादा अच्छी एंड रिलायबल बाइक है। इसकी अगर मैं सर्विस कॉस्ट की बात करूँ तो इसकी जो सर्विस है वो नॉर्मल CBR 250 जो है उससे थोड़ी सी ही फालतू है। सो अगर आप CBR 250 में सपोज 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आपको ये बाइक की सर्विस जो है वो 5 से 7 हज़ार रुपये के अंदर हो जाएगी। और अगर हम यूजुअली कावासाकी Z800 की बात करते हैं, या अगर हम और इसी सेगमेंट में और दूसरी बाइक्स की बनेले की बात करते हैं, तो उनकी जो कॉस्टिंग आती है वो आती है ऑलमोस्ट 8 से लेके 12 हज़ार रुपये के बीच में। वो भी ये कम से कम कॉस्ट बता रहा हूँ। अगर कोई पार्ट्स ख़राब होते हैं तो उन लोगों की और ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है। कावासाकी के आप लोगों को पता ही होगा स्पेयर पार्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, बनेले के भी एक्सपेंसिव आते हैं। बनेले में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि बनेले के पार्ट्स मिलने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। ये मुझे पता चला था, एक कोई बंदा बनेली में काम करता था तो उसने मेरे को बताया था कि यूजुअली अगर आपका कोई मेजर पार्ट ख़राब हो जाता है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 20 दिन से लेके 1 महीने तक आपको लग जाता है उस पार्ट को अवेलेबल कराने में। सो तब तक जो है वो बाइक रहती है कंपनी के शोरूम पे। होंडा के अंदर आपको ये चीज़ नहीं मिलती है। होंडा में आपको ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस करने को नहीं मिलता है, क्योंकि होंडा बहुत ही एडवांस हो चुका है और इंडिया में काफ़ी रिलायबल ब्रांड है। तो अगर आप होंडा का कोई सर्विस कराते हैं या आपका कोई पार्ट होता है, वो हार्डली आपको अगर अवेलेबल नहीं भी होगा तो इतना बड़ा एरिया है, इतना वास्ट मार्केट है इनका, कि आराम से ये आपको 1 से 2 दिन के अंदर पार्ट अवेलेबल करा देते हैं। बाकी बात आती है इसके स्पेयर पार्ट्स की, तो स्पेयर पार्ट्स में भी इन सब बाइक्स के मुकाबले इस बाइक की जो कॉस्टिंग है स्पेयर पार्ट्स की वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और अगर मैं बात करूं इस बाइक के बारे में जो प्रोज़ हैं, जो बेस्ट पार्ट लगा मुझे इस बाइक का, कि इस बाइक का ना ये पार्ट हैवी है ना ये पार्ट हैवी है। इसका जो सेंटर पॉइंट है, मतलब बैलेंस वेट है, वो सारा का सारा इन्होंने सेंटर में दिया है, जिसकी वजह से बाइक चलाते हुए ना ये आगे की तरफ भारी लगती है, ना ऐसा लगता है कि ये पीछे की तरफ से भारी है और आगे की तरफ से हल्की लग रही है, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ पॉइंट है वो बिल्कुल बीच में है। यूजुअली आप हायाबूसा चलाएंगे या कोई बाइक चलाएंगे तो उनके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि वो बाइक्स आगे से बहुत हैवी होती हैं। इंट्रूडर्स वगैरह चलाएंगे तो वो थोड़ी पीछे की तरफ ज़्यादा लगती हैं, बट इस बाइक के अंदर आपको ऐसी फील नहीं आती है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी सिटिंग पोस्चर की, आई एम 5'9", सो आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं आराम से बैठा हूँ। मेरी जो लेग्स हैं वो बेंड हैं, स्ट्रेट नहीं है, तो मेरे को पैर नीचे रखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर मैं इसकी सिटिंग पोस्चर की बात करूं तो अगर मैं ऐसे बैठ के बाइक चला रहा हूं नॉर्मली जैसे हम चलाते हैं, तो मेरी जो बैक की आर्च है वो बिल्कुल भी आगे की तरफ बेंड नहीं हो रही है, एकदम स्ट्रेट है। तो इट्स लाइक राइडिंग अ पल्सर बट विद अ हैवी इंजन। बहुत ही हैवी इंजन के साथ आप बाइक चला रहे हैं, बट जो राइडिंग पोस्चर है वो बिल्कुल भी थकाने देने वाला नहीं है। सो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस बाइक को टूरिंग पर्पस के हिसाब से लेके जाते हैं, बेसिकली गाइज मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया कि इट्स अ स्पोर्ट्स टूरर। यूजुअली जो लोग इनको लेते हैं वो लेते हैं इस वजह से क्योंकि ये बाइक स्पोर्ट्स टूरिंग के काम आती है। स्पोर्ट्स में ये है कि बाइक भागने में बहुत अच्छी है, प्लस टूरिंग का काम इसलिए है कि ये जब आप इसको चला रहे हैं, जैसे आप इस बाइक पे बैठे हैं, तो आपको इसके अंदर चलाते हुए थकान महसूस नहीं होती है थोड़ी सी भी। सो ये एक प्लस पॉइंट मिल जाता है हमें। प्लस जब हम चलाते हैं तो हमारे शोल्डर्स पे, हाथ पे या रिस्ट पे किसी भी चीज़ पे प्रॉब्लम नहीं आती है। मेरे पास KTM RC390 है, जिसके अंदर जब हम चलाते हैं तो हाथ उसका आता है यहाँ पे ऑलमोस्ट, तो हाथ पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। बट इसके अंदर आपको जो हैंडल बार हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर मिल रहे हैं, जैसे आप CBR 250 चला रहे हैं, तो वो चीज़ आपको फील दे रही है ये वाली बाइक, बट विद अ लॉट ऑफ पावर। और इसके अंदर प्लस पॉइंट एक ये चीज़ है कि जो इसमें पिलियन राइडर पीछे जो बैठेगा बंदा, उसको बेस्ट पार्ट ये है कि वो बंदा
को ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बंदा आराम से स्ट्रेट, जैसे नॉर्मल हम इंडियन बाइक्स में बैठते हैं वैसे ही वो बंदा बैठ सकता है इस बाइक के अंदर भी, और आराम से इस बाइक के ऊपर बैठ के वो भी थकान फील नहीं करेगा। काफ़ी ज़्यादा पीछे की सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं आती है सिटिंग में। प्लस जो सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कुशनी हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होती है। पिछवाड़े में जिसे दर्द की बात कहते हैं वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस बाइक को चलाते हुए। हमें जो इसके अंदर पावर मिलती है 650 cc की ये बाइक है, अराउंड 82 bhp की पावर है और अराउंड 84 nm का टॉर्क है। बहुत ही बैलेंस्ड बाइक बनाई गई है ये वाली, जिसके अंदर हमें भी कोई इशू नहीं लगता अगर हम इस बाइक को ख़रीदते हैं। अब बात आती है इस बाइक की कॉस्टिंग की। आज की रेट में जो इसका नई वाली शेप है, नई शेप क्या है गाइस, थोड़े से ग्राफिक्स चेंज हैं, बाकी बाइक में कुछ इतना मेजर चेंज नहीं है, ग्राफिक्स वगैरह चेंज करे गए हैं। उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है ऑलमोस्ट 8.5 लाख रुपये दिल्ली, ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, अराउंड 8.5 लाख रुपये के करीब है, पूरा एग्जैक्ट प्राइस मेरे को नहीं पता है। अगर आप 7 से 8 लाख रुपये के बीच के सेगमेंट में जाना चाहते हैं, अगर आपका बजट 6 लाख रुपये का है उसमें तो आपको ये नहीं मिलेगी, बट आपको उसमें बनेले मिल सकती है 600i, उसका भी मैं अलग से एक रिव्यू दूंगा। जो मैं आपने मेरी अगर वो वीडियो नहीं देखी जब हम बनेले खरीदने गए थे, तो वो वीडियो का लिंक जो है वो ऊपर आ रहा है गाइस, आप उस वीडियो को देख सकते हैं एंड पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में हमने कहाँ से ख़रीदी, और उस बनेली का अलग से रिव्यू जो है वो अलग वीडियो में दूंगा। तो बनेले भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट मेरे हिसाब से CBR 650F ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, रिफाइंड है, ईजी टू कैरी है, ईजी टू मेंटेन है और पॉकेट फ्रेंडली है, बेस्ट ये पार्ट रहता है। एक बार इसका वॉक अराउंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाइक देखने में कैसी है, तो उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि बाइक में एक्चुअल में लुक में कैसी है, एंड देन उसके बाद एक चलाते हुए की वीडियो कर लेते हैं जिसमें आपको एग्जैक्टली मैं बता पाऊंगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं या मुझे क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं बाइक को चलाने में। थोड़ा सा एक बारी स्पीड भी देख लेंगे कि बाइक चलने में स्पीड वाइज कैसी है। वीडियो आखिर तक देखें गाइस, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू सब्सक्राइब। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको प्लीज़ दबा दें, और जो उसके साथ बेल आइकन आता है उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। वीडियो आखिर तक देखें गाइस, एक वॉक अराउंड कर लेते हैं एंड देन हम उसके बाद चलाने की वीडियो करते हैं। बात आती है बाइक चलाने की, बाइक चलाने में कैसी है, तो थोड़ा सा मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि बाइक चलने में कैसी है, ताकि अगर आप खरीदें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपको सारी चीज़ें पता हो। सबसे प्यारी बाइक में मेरे को बात लगती है वो है इनलाइन फोर की।
आपको इनलाइन फोर मिलता है जो कि आपको निंजा 650 में नहीं मिलता, बनेले में आपको मिलता है। सो इन बाइक्स की जो आवाज़ होती है ये बहुत ही ज़्यादा सूदिंग होती है एंड मज़ा आता है इन बाइक्स को चला के, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दूर से सुनाई देती है। इस बाइक के अंदर बेस्ट पार्ट मेरे को ये दिख रहा है, जैसे आप लोग मुझे देख सकते हैं मैं इस बाइक के ऊपर बैठा हुआ चला रहा हूँ, सो आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल राइडिंग दिस बाइक। मेरे को थोड़ा सा भी कहीं पे किसी भी तरीके का दर्द नहीं हो रहा है अगर मैं इस बाइक को चला रहा हूँ तो। खास करके हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है जब भी हम कोई सुपर बाइक लेते हैं। Z800 की बात अगर मैं करूँ तो Z800 भी इसी तरीके की बाइक है और उस पर भी 1% का भी लोड नहीं आता है। इस बाइक के लिए थोड़ा सा मेरे को लगता है क्लच का काम कराना पड़ेगा, क्योंकि क्लच काफ़ी ज़्यादा दूर से छूट रहा है, सो उसकी एडजस्टमेंट होगी क्योंकि बहुत ही लेट, आप लोग देख सकते हैं बहुत लेट है क्लच छोड़ने का, मतलब क्लच यूजली यहाँ छूटना चाहिए और वो यहाँ छूट रहा है। सो ये थोड़ा सा मेरे को इसके अंदर इशू लग रहा है, बाकी नई बाइक आप लेंगे तो उसके अंदर कोई इशू नहीं लगे। बाइक को भगाने की बात करें तो थोड़ा सा खाली रोड मिलती है, देन मैं आपको थोड़ा सा भगा के दिखा देता हूँ कि बाइक भागने में कैसी है। बाकी बाइक चलने में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। अगर आपके पास बजट है 7.5-8 लाख रुपये का, देन दिस इज़ द बेस्ट बाइक फॉर यू। आपको एक तो फेयर कवर्ड वर्जन मिल जाता है जो कि यूजुअली Z800 नेकेड है, बनेले 600 आई नेकेड है, Z900 नेकेड है, तो इस बाइक के अंदर आपको ये बेस्ट पार्ट है कि आपको पूरी बाइक कवर मिलती है, तो एक रेसिंग लुक की फील आती है, प्लस बाइक देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो इनलाइन फोर तो मैंने आप लोगों को बता दिया, एवरेज वाइज भी ये बाइक बहुत ही ज़्यादा बेटर है बाकी बाइक के मुकाबले। होंडा है तो होंडा की सर्विस भी सस्ती है, मेंटेनेंस वाइज बाइक बहुत चीप है एंड चलाने वाइज बाइक बहुत कंफर्टेबल है। जो इसकी सीट है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, कंपनी की सीट है गाइस, कोई चेन नहीं हुआ हुआ इसके अंदर, सो बहुत ही ज़्यादा कुशनी सीट है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो थोड़ा सा भी मेरे को उसके अंदर टेल बोन जो होती है उस पर यूजुअली पेन करना शुरू हो जाता है जब भी आप बाइक चलाते हैं, खास करके मेरी KTM के अंदर ये चीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझे देख सकते हैं तो हाथ के ऊपर गाइस थोड़ा लोड आ रहा है, एज यू कैन सी मेरे हाथ लाल हो चुके हैं, सामने दिख रहा है कि हाथ रेड है, सो दैट मीन्स थोड़ा सा तो लोड आता है हाथ के ऊपर बाइक चलाते हुए। बट जो राइडिंग पोस्चर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, राइडिंग पोस्चर इज़ वेरी गुड। ये भी शायद इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने शायद ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट पकड़े हुए, अगर मैं शायद स्मूथ तरीके से पकड़ के चलूँ तो शायद ये प्रॉब्लम ना आए। तो अब थोड़ी सी बाइक भगा के देख लेते हैं बाइक भागने में कैसी है। बाइक्स के अंदर एक चीज होती है कि ये भागती कम है, बट मतलब जिस हिसाब से इनकी स्पीड होती है उस हिसाब से जो इसकी आवाज होती है वो बहुत ज्यादा लाउड होती है। Z800 के अंदर भी यही चीज है कि बाइक होगी आपकी 3-4 RPM पे, बाइक होगी 60 की स्पीड पे, बट आवाज वो ऐसी निकाल रही होगी जैसे वो 100 की स्पीड पे चल रही है। और इस बाइक के अंदर भी मेरे को यही वाली फील आ रही है कि जैसे मैं अभी 4 RPM बैठा हुआ हूँ, 70 की स्पीड पे था, बट आवाज बहुत ही ज्यादा लाउड थी। सो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है कि अगर आप सपोज लो स्पीड पे भी चला रहे हैं एंड आपका RPM जा रहा है 4-5 की रेंज के अंदर, सो आपकी बाइक बहुत ही दूर से आवाज़ सुनाई देगी दुनिया को। तो लोग यूजली यार ये बाइक लेते भी खास करके एग्जॉस्ट वगैरह जो चेंज कराया जाता है वो इसीलिए कराया जाता है क्योंकि थोड़ा सा टोरापंती करनी होती है सबने, थोड़ा सा एक दुनिया को दिखावा करना होता है कि यार देखो हमारे पास सुपर बाइक है, तो उस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो गाइस जितना भी सब कुछ था चलाते हुए क्या फील आ रहा है, कहीं पे कोई लोड तो नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। आप अगर ऐसी सी बाइक का लेने का मूड बना रहे हैं देन दिस इज द बाइक फॉर यू। आप इस बाइक को खरीद सकते हैं, 8.5 लाख रुपए के करीब इसका प्राइस है। नई जो कलर स्कीम है वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है इस वाली कलर स्कीम के मुकाबले में,
रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन निकाला है उन्होंने, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगता है। बाकी बाइक भागने में कोई भी इशू नहीं है, बाइक चलने में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। मतलब मैं बाइक चला रहा हूँ तो इंजन में से कोई वाइब्रेशन नहीं लग रही मुझे, कोई कुछ नहीं लग रहा, एक फील आ रही है कि यार मतलब कोई चीज़ चला रहा है बंदा, बहुत ही स्मूथ बाइक है। बाकी रही बात सब्सक्रिप्शन की गाइस, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये सारा मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लाइक करके इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और शेयर करने के बाद नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, जी हाँ गाइस, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको प्लीज़ दबा दीजिएगा, और जो उसके साथ बेल आइकन आता है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। सो गाइस, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, बाय। हे गाइस, सब्सक्राइब टू सुपरबाइक्स क्लासिफाइड, प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम सुपरबाइक्स क्लासिफाइड्स।